नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। जिला बाल कल्याण परिषद ने विजयी बच्चों को किया सम्मानित। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला सचिवालय में हुई बैठक। चलती गाड़ी में लगी आग, लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। यमुनानगर की इंडियन हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका ठाकुर की आज होगी शादी। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का 22वें दिन भी रहा धरना जारी। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला बाल कल्याण परिषद ने विजयी बच्चों को किया सम्मानित। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में बच्चों ने की थी जीत दर्ज। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को उजागर करना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना रहा। जिला बाल कल्याण अधिकारी मनीषा खन्ना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में बच्चों के लिए जिला स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें विजयी बच्चों को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। यमुनानगर जिले की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता 3 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मनीषा खन्ना ने बताया कि फैंसी ड्रेस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवधर के छात्र दिनेश कुमार, राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाचरोन की छात्रा पायल व सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुगर मिल यमुनानगर के रेहान ने अपनी प्रतिभा को बिखेरा। विजय छात्रों को 14 नवंबर 2017 को बाल दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसमें आज उपायुक्त के मार्गदर्शन में विजेता बच्चों को जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से सम्मानित किया गया। मनीषा खन्ना ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी है, ताकि बच्चों में छुपी प्रतिभा सामने आए और हमें भी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर अवश्य देना चाहिए। ये एक्चुअली हमारा हर साल बाल मेला होता है, जिसमें हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, और ये बाल मेला हमारे 21 जिलों में होता है। उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो 14 नवंबर को महामहिम उनको सम्मानित करते हैं। हमारे यमुनानगर से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2 तो नेशनल पेंटिंग के थे। रेहान ने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में कॉन्सोलेशन प्राइज जीता है और पायल ने 3rd आई है, और इनको 14 नवंबर को महामहिम ने राजभवन में सम्मानित किया है। और ये एक बच्चा हमारा जयधर से है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, दिनेश, जिसने फैंसी ड्रेस में ये 3rd पोजीशन ली है स्टेट में। तो 14 नवंबर पे इनको वहाँ राजभवन में सम्मानित किया गया था, तो हमने इनको कहा था जब आप वहाँ से आओगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्राइजेस भी हम आपको देंगे। और इसके थ्रू हम एक मैसेज भी और बच्चों को देना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इनको स्टेपिंग स्टोन की तरह हर स्कूल को लेना चाहिए, कि ये एक रास्ता है आगे बढ़ने का। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है खाली सरकारी नहीं, गैर सरकारी, प्राइवेट, सब स्कूल्स आते हैं। एक तो बच्चे सबके माहौल को देखते हैं, वो लोग इनसे कुछ सीखते हैं, ये लोग उनसे, एक लेवल पे जो कॉम्पिटिशन है और उनके आगे जाने का जो है ना बच्चे का, वो रास्ता खुलता है, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आज फिर हमने इन बच्चों को बुलाया था, एक तो जयधर से, एक नचरौन से और एक सरस्वती शुगर मिल से स्कूल से है। तो तीनों बच्चों ने प्राइज विन किया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डी सब से मेरी बात हुई थी, तो उपाध्यक्ष ने चाहा था कि भाई आप उनको अलग से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सम्मानित करो। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला सचिवालय में हुई बैठक। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन को लेकर उपायुक्त ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक जिला सचिवालय के सभागार में की गई, जिसमें कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में गीता जयंती महोत्सव से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त के भादू ने लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इस मौके पर SDM जगाधरी भारत भूषण कौशिक, जिला सूचना अधिकारी रमेश गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी मनोज पांडे और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चलती गाड़ी में लगी आग, लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शादी समारोह में जा रहे थे कार सवार। सहारनपुर कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे दामला से जा रही कार में अचानक आग लग गई, जिसमें लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जानकारी के अनुसार कार सवार पानीपत में अपनी रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। जैसे ही कार नेशनल हाईवे दामला के नज़दीक पहुंची, तो अचानक से कार में आग लग गई। आग इतनी तेज बढ़ गई कि उसमें सवार व्यक्तियों ने जैसे तैसे कार की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। यमुनानगर की इंडियन हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका ठाकुर की आज होगी शादी।
करनाल की पैलेस में दीपिका विक्रम दहिया के साथ बंधेंगी दाम्पत्य सूत्र में। यमुनानगर की इंडिया हॉकी टीम की पूर्व कप्तान दीपिका ठाकुर आज विवाह के परिणय सूत्र में बंधेंगी। दीपिका ठाकुर करनाल के रहने वाले विक्रम दहिया से शादी कर रही हैं। शादी करनाल के एक पैलेस में होगी। शादी के मौके पर महिला इंडियन हॉकी टीम और पुरुष इंडिया हॉकी टीम के लगभग सभी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। दीपिका ने वर्ष 2003 में यमुनानगर से ही हॉकी खेलना शुरू किया था। हॉकी में ऑलराउंडर दीपिका ठाकुर देश की ओलंपिक हॉकी टीम की कप्तान चुनी गई थी। दीपिका के परिवार में उनकी माताजी, छोटा भाई और बहन है। दीपिका के पिता की 2013 में बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अपनी शादी के बारे में बताते हुए दीपिका ने कहा कि वो आगे भी हॉकी खेलती रहेंगी और इसी तरह देश की सेवा करती रहेंगी। बिल्कुल, जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं, मेरे मतलब ससुराल वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे खेलने की प्रॉब्लम नहीं है। वो शादी हमारी परसों 23 को करनाल में है, यहाँ पे अभी आज लेट संगीत है। आप सब आए उसके लिए थैंक यू। काफ़ी फैसिलिटी दी है, बहुत सपोर्ट किया है हमें। आज मतलब अगर मेरे यहाँ स्टैंड है तो हरियाणा गवर्नमेंट की बदौलत है और हमारी हॉकी इंडिया, हमारी जो रेलवेज है उसकी वजह से हम लोग है। शुरुआत हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का 22वें दिन भी रहा धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों के ना माने जाने को लेकर संघ ने जताया रोष। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का पिछले 21 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अतिथि अध्यापकों की मांग है कि सरकार उन्हें अपने वादे के अनुसार स्थायी करे, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित न करने के फैसले पर संघ ने रोष जताया। इस मौके पर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने अतिथि अध्यापक संघ का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने अतिथि अध्यापकों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। हमें बैठे हुए आज 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन से हम यहाँ पे डिप्टी स्पीकर कंवर पाल गुर्जर जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्रमिक धरना हमारा चल रहा है। तो हमें जो है लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं रिलीव हुए हुए। हम JPT की पोस्ट पे थे। हमारे अगेंस्ट जो है रेगुलर को पोस्ट दी गई है और वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं जिन्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है और हमें रिलीव करके घर बिठा दिया गया है। जबकि BJP ने हमारे से प्रॉमिस किया था अपने घोषणा पत्र में, इसमें प्रमुखता से इस बात को रखा था कि जैसे ही वो सरकार में सत्ता में आएंगे तो एक कलम से हमें वो पक्का करें। तो अब हमारी गुजारिश है CM साहब से, PM साहब से कि वो हम ये जानना चाहते हैं कि वो हमें नियमित कब करेंगे और जो हमें रिलीव करके घर बिठाया गया है हमें एडजस्ट कब किया जाएगा। कितने और दिन लगेंगे हमें यहाँ बैठने के लिए, कितने दिन तक हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे, कितने दिन हम ऑन रोड रहेंगे और हमें वो नियमित कब करेंगे और एडजस्ट कब करेंगे और अपना वादा कब निभाएंगे। मैं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हरियाणा में 2006 और 2007 में जो गैंटीच रखे थे और हुड्डा सरकार ने भी इनको पक्का करने की एक बार बात रखी थी, किसी वजह से वो पक्का नहीं कर सके, लेकिन BJP ने अपने घोषणा पत्र में ये बात रखी थी कि गेस्ट टीचरों को हम सरकार बनते ही रेगुलर करेंगे, लेकिन सरकार ने इसके विपरीत काम किया। इनको रेगुलर करने के बजाय नौकरी से हटा दिया, जबकि हमारे पड़ोसी जिले अम्बाड़ा और कुशेत्र में एक भी गेस्ट टीचर को नौकरी से नहीं हटाया गया और केवल ये यमुनानगर में हटाए गए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कर्मचारियों को आक्रोश का सामना करने के बजाय इनके वेलफेयर के बारे में सोचते हुए इन जो गेस्ट टीचर यमुनानगर जिले से निकाले हैं इनको तुरंत सेवा में वापस लें और उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू करें। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अपने वेतन व अन्य केंद्र संबंधी समस्याओं की शिकायत। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को जाहिर करते हुए कहा कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों का पिछले 8 महीनों से किराया बकाया है। बजट आ जाने के बावजूद भी किराए की भरपाई नहीं की गई। केंद्रों में बिजली व शौचालयों का प्रबंध करवाया जाए। जून 2016 में करवाए गए MFR चुनाव सर्वे की राशि अभी तक सभी वर्कर्स को नहीं मिल पाई है। साथ ही आंगनवाड़ी में आने वाले राशन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इन समस्याओं का भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। इसी से परेशान होकर कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं के जल्द निपटारे हेतु पत्र भेजा। सर, बहुत दिनों से हम बार बार अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि हमारी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, डिपार्टमेंट से समस्याएं हैं, वो हल की जाएं।
परंतु कोई भी अधिकारी लिखित में भी हम दे चुके हैं और मौखिक भी बातचीत बहुत बार कर चुके हैं, या तो अधिकारी मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो बात हमारी अनसुनी करी जाती है। तो हम आज मजबूरन अपना मांग पत्र लेके समस्या लेके यहाँ आए हैं डी साहब के पास, ताकि हमारी मांगों का ये समाधान कर सकें। ज़्यादा समस्या तो ये आ रही कि मानदेय जो 4500 और 3000 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट से अलग अलग आता है, वो कभी भी पिछले 3 साल से रेगुलर नहीं आ रहा और टाइम पे नहीं आ रहा और पूरा नहीं आ रहा। और रेंट, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारी हेल्पर है वो बहुत छोटे से मानदेय में 3500 रुपये में गुजारा करती है, जब उसे नहीं मिलता 25 तारीख तक तो वो अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पाती। तो हम सरकार अपने डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं अधिकारियों से कम मानदेय तो समय पर भेजें और पूरा भेजें। दूसरी बात ये है कि पिछले 8 महीने का केंद्रों का किराया पेंडिंग है, 1500 रुपये किराया देती है सरकार, जिसमें एक कमरा, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरांडा कंपलसरी है। अगर इतना ले रहे हैं हम, 1500 रुपये दे रहे हैं, शहर में भी आंगनवाड़ियाँ हैं, स्लम एरिया में चल रही हैं, तो वो कम से कम समय पर देना चाहिए। बजट उनके पास पड़ा है पर वो दे नहीं रहे हैं। ये कभी तो कुछ भी बहाना लगा रहे हैं कि आपके खाते में नहीं आएगा, मकान मालिकों के खाते में आएगा। हमने उन्हें बार बार अपनी बात को रखा कि अगर हम सेंटर बदल लेते हैं, मकान मालिक भी चेंज हो जाएगा, तो वो कहाँ तक हम खाते चेंज करवाएंगे। मकान मालिक कह रहे हैं हमें तो 1 तारीख को चाहिए, और ये नहीं देते 8 महीने, वो क्यों दें अपना खाता। तीसरा वो है, ये है कि अगर वो अपना खाता देते हैं तो उनकी पेंशन तक कट जाती है, कमर्शियल हो जाता है, उनको हाउस रेंट डबल हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं जो अधिकारी बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं। तो हम आज डी साहब से ये टाइम लेना चाह रहे हैं कि या तो वो हमारी ये समस्याएं हैं, मांगे हैं, जो भी 8 हैं उनको पूरा करें। अगर उनके स्तर पे पूरा हो जाती है तो ठीक है, वरना हम अपना अगला कदम कुछ भी सोच के अगला। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।